हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम साइंस लेसन प्लान, जिसका तो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा बलों के प्रकार। तो दोस्तों बलों के प्रकार हैं, इसका जो लेसन प्लान है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है ताकि पूरी नॉलेज आपको मिल सके, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते हुए इस वीडियो में चलूँगा। और दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो लेसन प्लान मैंने पहले डाल रखे हैं 6 से 7 लेसन प्लान हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लेसन प्लान में क्या होता है, विद्यालय का नाम लिखा जाता है, दिनांक लिखी जाती है, विषय लिखा जाता है, कालांश, कक्षा, प्रकरण और समय अवधि ये लिखी जाती है। उसके बाद में आता है उद्देश्य विशिष्टीकरण। तो हमारा जो टॉपिक है वो बलों के प्रकार, तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले नंबर का उद्देश्य ज्ञानात्मक, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन है इसके अंदर 2 पॉइंट है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बलों के प्रकार उसके अंदर छात्र स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल एवं गुरुत्व बल को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल एवं गुरुत्व बल का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। तो ये पहला पॉइंट होगा ज्ञानात्मक का, इसी तरीके से अवबोध दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से देख कर आप इन्हें उतार सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिन छात्रों को जो भी बी एड फर्स्ट ईयर के अंदर हैं या सेकेंड ईयर के अंदर हैं, तो दोस्तों आपको लेसन प्लान इंटर्नशिप के दौरान बनाने होंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल से आप अभी से जुड़ जाए, क्योंकि आगे जितने भी लेसन प्लान मैं अपलोड करने वाला हूं वो वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और जो लिंक है पीडीएफ का वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो लेसन प्लान है वो बनाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य विशिष्टीकरण है वो कम्प्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है जो टॉपिक आता है वो आता है सहायक सामग्री का। मतलब जब आप टीचिंग कराओगे बच्चों को तो सहायक सामग्री रूप में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आप काम में लेंगे। तो इसमें दिया गया है कंघा, लपेट फलक, कागज़ के टुकड़े, गेंद, चौक एवं कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे चौक, डस्टर वगैरह जो भी होती हैं वो। नेक्स्ट है शिक्षण विधि, आप प्रदर्शन विधि काम में लेंगे, और नेक्स्ट काम में लेंगे व्याख्यान विधि। इसी के बाद में पूर्व ज्ञान, जो भी आप टॉपिक ले रहे हो बच्चों को तभी समझ में आएगा जब उससे संबंधित पिछला ज्ञान उनके पास हो। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान के अंदर आप लिख देंगे कि छात्र स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल एवं गुरुत्व बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये प्रस्तावना आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र क्रिया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जा रहे हैं और उनका आंसर छात्र दे रहे हैं। जैसे भारी बक्से को खिसकाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो छात्र आंसर देंगे कि धक्का लगाना पड़ता है। उसी के बाद कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी से बंधी रस्सी को क्या करना पड़ता है, तो उसमें आ गया खींचना पड़ता है। नेक्स्ट है खींचने या धक्का देने को क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे इसे बल कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आप बच्चों को बल के प्रकार पढ़ा रहे हैं तो बल से संबंधित जानकारी उनको होनी चाहिए, तभी वो बलों के प्रकार आराम से समझ पाएंगे। तो परिभाषा उनको आती होगी, बल कितने प्रकार के होते हैं ये समस्यात्मक है क्योंकि उन्होंने पहले इसको नहीं पढ़ा है। तो हमारी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य कथन के अंदर आप लिखेंगे कि बच्चों आज हम बल के विभिन्न प्रकारों के बारे में आपसे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है टॉपिक पाठ्य प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपको देने होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टॉपिक है कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया। तो सबसे पहले नंबर का जो बलों का प्रकार है उसके अंदर आता है स्थिर वैद्युत बल। तो दोस्तों स्थिर वैद्युत बल पर पहुँचने से पहले भी आपको छात्रों से क्वेश्चन करना है। जो आप कंघे लेके गए हो तो कंघे को सूखे बालों में रगड़कर कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर क्या होता है, तो बच्चे बता देंगे कि आकर्षित हो रहा है। इसी तरीके से स्केल को भुजा पर रगड़कर कागज़ के छोटे टुकड़ों को पास ले जाने पर क्या होता है, तो कागज़ के टुकड़े स्केल की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया, आप बिल्कुल धीरे धीरे वीडियो को रोक कर आप इन्हें लिख सकते हैं। तो दोस्तों लेसन प्लान की डायरी आपको जल्द मिलेगी जब इंटर्नशिप के दौरान आप जाओगे।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो लेसन प्लान है आपको लिखने हैं, फिर जैसे टॉपिक ख़त्म हो जाए तो बोध प्रश्न करने हैं बच्चों से, जो टॉपिक आप पढ़ाओगे उनसे संबंधित प्रश्न करने हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सेकंड नंबर का घर्षण बल, तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति में कुछ समय बाद क्या परिवर्तन होता है, तो बच्चे बता देंगे कि वह रुक जाती है। नेक्स्ट है गेंद क्यों रुक जाती है, तो बच्चे बता देंगे कि घर्षण के कारण गेंद रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे घर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं जानते हैं घर्षण बल किसे कहते हैं, तो आप बताओगे उनको कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उसकी गति का विरोध करने वाला बल ही घर्षण बल कहलाता है। तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इससे संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं बोध प्रश्न के रूप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से दिए गए हैं प्रश्न। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है तीसरे नंबर का गुरुत्व बल, तो यहाँ पर गुरुत्व बल के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपको बच्चों से पूछने हैं टॉपिक से पढ़ाने से पहले। तो दोस्तों पैटर्न हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीके से हो, लेकिन मैटर सब एक ही होता है। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये अदर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पूछे जाते हों, आपसे डायरेक्ट ही जो टॉपिक दिया है गुरुत्व बल इसके बारे में आप समझाएं, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये है छात्र अध्यापक कथन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है वह बल गुरुत्व बल कहलाता है, इसी बल के कारण वस्तुएँ पृथ्वी पर विद्यमान हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, छात्र जो होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी तरीके से बोध प्रश्न दिया गया है। अब दोस्तों बारी आती है श्यामपट्ट कार्य की, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। जो जो चीज़ आपने बच्चों को पढ़ाई है शॉर्ट रूप के अंदर बोर्ड पर लिखी हुई होनी चाहिए, जब आप लेसन प्लान दोगे तब ये ऐसे के ऐसे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बलों के प्रकार जो टॉपिक है कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं, तीनों जो टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो इस तरीके से आपको जो श्यामपट्ट कार्य है वो करना है। उसके बाद में दोस्तों जो मूल्यांकन प्रश्न आते हैं, मूल्यांकन प्रश्न वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। पहला प्रश्न दिया गया है ये बच्चों से पूछना है जब आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में, कि पेड़ से फल टूटकर किस बल के कारण ज़मीन पर गिरता है। तो ये चार ऑप्शन आपको देना है उनके सामने, तो बच्चे बता देंगे कि पेड़ से फल टूटकर ज़मीन पर गुरुत्व बल के कारण गिरता है। तो प्रश्न नंबर दो यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर तीन यहाँ पर दिया गया है कि बल कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखें, चौथे नंबर का है कि स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है घर्षण बल से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये मूल्यांकन प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो है कि आप सबसे पहले कम प्रश्न लिखें, अर्थात ज़्यादा बड़ा न हो, वैकल्पिक प्रश्न रिक्त स्थान वाले आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आप जो क्वालिटी है प्रश्नों की वो बढ़ाते जाएँ, लास्ट में जो उनको गृह कार्य के लिए एक प्रश्न देना है जो कि बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो गृह कार्य का प्रश्न बन रहा है वो बन रहा है कि बलों के प्रकारों को बताते हुए उसका वर्णन करें। तो दोस्तों लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो गया है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।